हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मेंस अ डे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है आपके लिए आज। सो व्हाट इज जीन ड्राइव, एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ दिस एडवांस इन जेनेटिक टेक्नोलॉजी। सो अगर आप चाहते हैं अटेम्प्ट करना, यहीं पर आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। अदरवाइज इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब हम आंसर करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जीन ड्राइव क्या है, एंड उसके बाद क्या हमारे लिए वो नई चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ क्या लेकर आ रही हैं, अकॉर्डिंगली लिमिटेशंस क्या हैं इस टेक्नोलॉजी के, क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस आंसर में लिखेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन बनाया गया। तो रिसेंटली DNA ऑल्टरेशन ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मॉस्किटोज वॉज अंडरटेकन। सो मलेरियल पैरासाइट को काबू में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस जो जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ किया गया, इस प्रोसेस का यूज़ किया गया, एंड इट इज़ डन वाया ऑल्टरिंग द DNA ऑफ दोज मॉस्किटोज। तो इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी, इसलिए वी हैव मेड दिस क्वेश्चन। तो इन लाइंस के ऊपर आप आंसर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर मीनिंग देखें तो जीन ड्राइव का मतलब क्या है, तो ये एक टाइप है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का ही, जिसमें जीन्स को एडिट किया जाता है, बेसिकली DNA के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है, एंड इवेंचुअली ये जो पूरी चीज़ है ये फर्दर आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो, इस तरीके का कुछ जीनोटाइप में फेरबदल किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली जो आगे वाली जनरेशन होंगी फिर हम उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ, या उनमें भी जो रिक्वायर्ड ट्रेट्स हम चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। सो नेचुरल जो प्रोसेस है जिसमें जीन्स जो ट्रांसमिट होते हैं फर्दर, उसमें जो प्रॉबिलिटी है वो 50% होती है, लेकिन जीन ड्राइव से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके ऊपर जो ट्रेट्स हैं वो ज़रूर जाएं आगे। ठीक है जी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये एक टेक्निक है। तो इसकी अगर हम एप्लीकेशंस देखें या अपॉर्चुनिटीज़ देखें हमें कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो पब्लिक हेल्थ या बायोडाइवर्सिटी में, एंड ऑल्सो इकोसिस्टम कंजर्वेशन में। तो जैसे कुछ हमारे पास इस तरीके के वेक्टर्स हैं जो एलिमेंट्स कॉज करते हैं, तो एटलीस्ट उन वेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेंगू या मलेरिया के जो वेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे यही दो बीमारियां जो हैं, इट दे कॉज अराउंड 7 लाख डेथ्स एनुअली, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसका जो स्कोप है इसको कंट्रोल करने का, इसके थ्रू हेल्थ बेनिफिट्स हम ज़्यादा ले सकते हैं। ऑल्दो जो मलेरिया है उस कॉन्टेक्स्ट में तो हम देख ही रहे हैं कि ये ड्राइव चलाई भी जा रही है। इसके बाद इरेडिकेटिंग इन्वेजिव रोडेंट्स, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे कुछ इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं कुछ आइलैंड्स के ऊपर, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मोरोवर जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं दे आर द सेकेंड ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लॉस ग्लोबली, तो काफ़ी ज़्यादा इसका बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए वी कैन डू इट। एंड करंटली जो रोडेंटिसाइड्स हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, जा रहा है बेसिकली, लेकिन अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि दे आर कॉस्टली एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट जो जीन ड्राइव जो मेथड है इट कैन बी अ पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो। एंड जो प्रेडेटर फ्री 2050 प्रोजेक्ट है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का, उनका ये टारगेट है कि दे विल एलिमिनेट इन्वेजिव मेमेलियन स्पीशीज, एंड वो यूज़ करेंगे जीन ड्राइव टेक्नोलॉजीज़ को, तो यहाँ पर हम इसकी इंटरनेशनली एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लिमिटेशंस देखें तो इनकी जो चैलेंजेस है इसमें या लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो जो जनरेशंस हैं उनको टाइम लगेगा टू स्प्रेड थ्रू दोज पॉपुलेशंस। तो जो हमने ऑलरेडी जो इंजीनियर्ड बेसिकली स्पीशीज़ होंगी या ऑर्गेनिज़म्स होंगे, इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज़म्स को फर्दर आगे रिप्रोड्यूस करने में एंड अकॉर्डिंगली जो पूरी पॉपुलेशन तक ये चीज़ फैलने में टाइम लगे, इसलिए थोड़ा एफिशिएंसी के कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस हैं उनके ऊपर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जीन्स हैं वो इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं वो उस तरीके से नहीं होते, इसलिए उनके लिए कुछ और कोई इलाज देखना पड़ेगा। इसलिए बैक्टीरिया एंड वायरस की जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस हैं उन पर दिस टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी अप्लाइड। मोर ओवर जो कुछ ऑल्टरेशंस हैं ऐसा हो सकता है कि दे नीड टू बी कंटिन्यूली री इंट्रोड्यूस, तो जैसे कोई पर्टिकुलर ऐसा ट्रेट आ गया कि जिसमें जो हमने इंजीनियर्ड स्पीशीज थी उसको ही किल कर दिया उसके बाद, तो अगर इस तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो जो हमारा एजेंडा था कि फर्दर रिप्रोडक्शन के साथ ही वो चीज़ें ट्रांसमिट हो वो ख़त्म हो गया, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि बार बार हमें री इंट्रोड्यूस करनी पड़े टू द न्यू स्पीशीज। मोर ओवर जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारी फूड चेन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर, या जो जो पूरा फूड वेब है
ऑर्गेनिजम्स की चेन है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिंक इन द चेन ऑफ द होल इकोसिस्टम। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर हमने पूरी ही की पूरी एक स्पीशीज ही वाइप आउट कर दी तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज किस तरीके के होंगे, दैट वी डू नॉट नो। ठीक है जी, इसके बाद जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं दे कैन बी कंटेन बट एनिमल्स कैरिंग जीन्स ड्राइव्स आर मोबाइल। तो अब ये भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो क्रॉप्स हैं वो तो हम कंटेन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं वो चीज़ें, लेकिन जो एनिमल्स हैं दे आर मोबाइल, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि अनकंट्रोल्ड वे में किसी दूसरी कंट्री में जहाँ पर उनके फॉर एग्जाम्पल प्रेडेटर्स ना हों तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा बुरी तरीके से फैल जाएँ, या फिर वहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे मे बिकम इन्वेसिव। तो ऐसी कंडीशंस के लिए भी वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। इसके बाद दे कुड बी नेफेरियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल, कि जो मॉस्किटोज हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे कुड बी यूज एज अ वेपन, तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। इसके बाद अब आगे करें क्या, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि दो एक वेलकम स्टेप है कि जो टेक्नोलॉजी है वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, दो बैनिंग अ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नॉट एन इशू, इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो इसीलिए अब करना क्या है कि हमें रेगुलेट करना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो विदाउट यू नो रिलीजिंग द ऑर्गेनिजम्स इन टू द इकोसिस्टम कुछ ऑल्टरेशन की स्टडीज़ होनी चाहिए कि अगर ये ऑर्गेनिजम्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका पूरे इकोसिस्टम पर, या एटलीस्ट जो लिमिटेड स्टडी जितनी हम कर सकते हैं वहाँ पर किस तरीके के इफेक्ट्स होंगे वो हमें जानना ज़रूरी है। मोर ओवर जो ड्राइव्स हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑल्टरेशंस हम इंट्रोड्यूस करेंगे उनको हम कंट्रोल्ड वे में उसके बाद रिवर्स भी कर सकते हैं अगर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो ख़राब निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए। एंड मोर ओवर पॉपुलेशन कैन बी इम्यूनाइज अगेंस्ट जीन ड्राइव्स इफ़ वी आर कंसर्न्ड अबाउट द ड्राइव अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे माइट बी सिवियरली अफेक्टेड या इल अफेक्टेड, तो उनको हम इम्यूनाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। वी हैव टू मेक लॉन्ग स्टडीज रिगार्डिंग दिस। सो इन दिस वे एडुकेट ऑप्टिमाइजेशन कैन बी डन टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो ऑप्टिमली ही चीज़ों को समझ कर ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए इन अ कंट्रोल्ड वे रादर देन सम अनकंट्रोल्ड स्टेप जो हम बाद में रिग्रेट करें। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल, थैंक यू।